अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज दानिश उमरो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोर फॉर ई डॉट पी के। गाइस, आज जो फ़ोन हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं विच इज़ अ टेक्नो स्पार्क 7 प्रो। ये टेक्नो वालों का स्पार्क 7 भी आया है और ये स्पार्क 7 प्रो जिसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं, ये पहले अनबॉक्स हो चुका है यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे जो है यूट्यूबर्स ने अनबॉक्स किया है, हम थोड़े लेट हो गए, थोड़ा बिजी स्केड्यूल था, तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको जल्द से जल्द हम आपको अनबॉक्सिंग दें हर फ़ोन की आते ही लेटेस्ट। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक बात और रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग वीडियोस वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमारे सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलती है। सो यही मोटिवेशन है आपकी सब्सक्रिप्शन की जो हमें मीन्स के मोटिवेट करती है कि और वीडियोस बनाएं और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएं और वीडियो को अच्छा करें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वीडियो पर अनबॉक्सिंग करके देखा। सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और अब हम चल रहे हैं इनबॉक्स की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहा टेक्नो स्पार्क 7 प्रो और इसकी पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, पीछे कुछ हाइलाइट्स लिखे हुए हैं, 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, यहीं पर उन्होंने बता दिया कि कैमरा क्या है। सुपर नाइट मोड है, मीन्स नाइट कैमरा बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, इन्होंने वाजे लिखा है कि सुपर नाइट मोड है। 90 Hz का रिफ्रेश रेट इस प्राइस टैग में, पाकिस्तानी प्राइस इसकी 22,000 है लेकिन मार्केट में 20,000 तक भी अवेलेबल हो जाता है। हमारे चैनल से जो देखेगा तो उसको हम वाउचर एंड में दे देंगे, वो 1,000 rupees का डिस्काउंट डाल के 20,000 में ये ले सकता है। सो और हीलियो G80 गेमिंग प्रोसेसर लगाया है उन्होंने, 5000 mAh बैटरी है। ब्लूटूथ ऑडियो शेयर मीन्स कि एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है कि अब ऑडियो शेयर ब्लूटूथ जो है थोड़ा स्पीड से करेगा, 5.0 ब्लूटूथ दिया हुआ है इन्होंने। और अब मैं अंदर से देखते हैं इसकी लुक और डिजाइन की बात अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट फील लुक आया है और जैसे ही मैंने खोला कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक ड्रीम, और ये देख लें आप, खूबसूरत सा इन्होंने ड्रीम लिखा हुआ है। कब अच्छा लगता है कंपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देती है, तो एक फील आता है ये जैसे ही खोला है। और इसके अंदर ज़रूर एक सिलिकॉन केस होगा और ये अपने टेक्नो कुछ पेपर वर्क है और केस भी बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट दिया है, उस पर भी लिखा हुआ है ड्रीम। सो ये चीज़ें जो है आई हैं और ये एक सिम इंजेक्टर टूल इसके साथ है और इसके अंदर है। अब हम आते हैं फ़ोन की तरफ। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ हाइलाइट्स है, 48 MP AI ट्रिपल कैमरा, 90 Hz डॉट इन डिस्प्ले दिया, हीलियो G80 सुपर नाइट मोड, स्माइली स्नैपशॉट, 5000 mAh बैटरी और स्पार्क 7 प्रो की लैपटॉप। अब इसको अनरैप कर रहे हैं। सो गाइज, ये ग्रीन कलर में हमने जो है अनबॉक्स किया हुआ है और अब इसकी मैं आपको बताऊं कि थोड़ा बहुत थिकनेस है और टाइप भी। अब यहाँ से जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, और इसकी फोर फ्लैश लाइट्स नज़र आ रही है, 4 LEDs के साथ यहाँ पर, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट है। सो यहाँ पर जो है अपना ये वॉल्यूम बटन है और यहाँ पर पावर बटन है और यहाँ पर जो है सिम ट्री इंजेक्ट करके देखते हैं ये अंदर कितनी सिम और कार्ड लग सकते हैं। ये डुअल सिम और वन कार्ड आप लगा सकते हैं, मीन्स के हाइब्रिड नहीं है। और यहाँ से 3.5 mm का जैक है, टाइप बी चार्जिंग है। मेरे ख्याल से अब तो जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं 20,000 के टाइप सी आ रहे हैं तो इनको भी टाइप सी देना चाहिए था। और 4GB और 64GB इसकी रैम और रोम है, ये मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, 4GB और 64GB वेरिएंट में आता है। अच्छा, अभी जब तक ऑन हो तो एक्सेसरीज़ की बात करें तो एक सिंपल सा चार्जर दिया है, कोई इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है इतनी खास, नॉर्मल चार्जिंग है, फास्ट है बट जब आप अब चल रही है 18W और 33W तो वो नहीं है, ये केबल है। अच्छा, हैंड फ्री दी है कंपनी ने इस बार, बाकी कंपनीज नहीं देती बट इन्होंने हैंड फ्री दी है। अच्छा, फ्रंट जो है इसका ग्लास है और बैक इसकी पूरी प्लास्टिक है। अब आगे इसको एक्टिव करते हैं, अंदर फीचर्स देखते हैं और क्या हैं कैसे हैं। सो गाइज, दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द फ़ोन और ये यहाँ से एक्टिव हो गया है और मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, दिस इज़ द फर्स्ट व्यू
और यहाँ पर इसकी जो है और फीचर्स देख लेते हैं कि इसके क्या हैं, कि कैमरा इसका जो है कैसा रिजल्ट है। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है, एआई कैम है, ब्यूटी है, पोर्ट्रेट है, सुपर नाइट मोड है, और फ्रंट में भी आपको यही सारे फीचर्स मिल देंगे। और यहाँ पर भी आप फीचर्स देख लें, फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिम कार्ड लगेगा और हॉटस्पॉट लगेगा, और अल्ट्रा पावर सेवर भी दिया हुआ है यहाँ से। और मुझे इसमें एनएफसी नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स इसमें एनएफसी नहीं होगा। तो यहाँ ब्लूटूथ है, कास्टिंग है, पेयरिंग है, ओटीजी है, लेकिन एनएफसी नहीं है। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जो कि इसकी एनएफसी नहीं है। और इसकी फ्रंट जो कैमरा है, मैं आपको फ्रंट कैमरा इसका बताऊँ कि कितना है। अच्छा, बैक 48 मेगापिक्सल, मैंने बार बार बताया, उन्होंने बड़ा हाईलाइट भी किया हुआ है, फ्रंट सिर्फ 8 मेगापिक्सल है इसका। और दिस इज़ ऑल अबाउट फ़ोन। और मैं आपको अपना व्यू अब अगर बता दूँ फ़ोन को, कि फ़ोन अनबॉक्स करते हुए मुझे तो एक तो ये प्लास्टिक मटेरियल है और फ्रंट ग्लास है, जो उसकी फील है, अगर हम कंपैरिजन में जाएं 20,000 में, तो हमें सैमसंग भी मिल जाता है A02s, पर मुझे वो बेहतर लगेगा ऑप्शन, अगर मैं अपने पर्सनल व्यू से आपको बताऊं। और अगर मैं वन प्लस पे चला जाऊं, तो वन प्लस N100 भी काफ़ी बेहतर ऑप्शन है इसमें। और अगर मैं बात करूं तो ये रहा वन प्लस N100, ये बहुत बड़ी अच्छी कंपनी है वन प्लस। आपको पता है कि वन प्लस का बड़ा नाम है, बहुत अच्छे फ़ोन निकालते हैं कंपेरेटिवली। अभी भी मेरे हिसाब से इस फ़ोन के प्राइस टैग को अराउंड 17 to 18,000 होना चाहिए। और मैं बात करूँ C21 जो रियलमी वालों का ब्रांड है, वो भी बहुत प्राइस नीचे आ गया है। स्पार्क 7 प्रो की डिवाइस ये बेहतर है, बट इस प्राइस टैग में बेहतर नहीं है। इसको अराउंड 17,000 या 18,000 में होना चाहिए, 20-21,000 में ये सूट नहीं करता है। सो कॉम्पिटिटर मार्केट में आपको सैमसंग मिल जाता है, वन प्लस मिल जाता है, और Xiaomi मिल जाता है, बहुत सारे ब्रांड्स और Infinix मिल जाता है। और कोई ख़ास क्वालिटी मुझे इसमें ऐसी नज़र नहीं आई कि जो ये अट्रैक्ट करे और फ़ोन बायर्स को जो है लें। सबसे ड्रॉबैक बड़ा बताऊँगे, अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, टाइप बी ये नहीं होनी चाहिए थी, टाइप सी अब टेक्नोलॉजी जो है यूज़ होती है। और प्रोसेसर भी हीलियो G80 है, कोई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है। वन प्लस की अगर बात करें तो उसमें 450 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है आपको। तो ये थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल डिवाइस इज़ फाइन, नॉट गुड, मैं आपको बोलूँगा। इस प्राइस टैग में आपको और ऑप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और टेक्नो को नाम बनाने के लिए उसको प्राइस टैग नीचे करना पड़ेगा, और मैं ये सजेस्ट करूँगा। अच्छा, हमारी चैनल की खासियत भी यही है कि वी जस्ट गिव यू अ ट्रू फीडबैक। हम कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हमें कोई, और ना ही हम चाहते हैं कि हमें कोई स्पॉन्सर करे और हमें पैसे दे और हम उनकी तारीफ़ें करें और उनकी सेल्स बढ़ा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे हम अपनी ऑडियंस को। हालांकि ये हमारे स्टॉक में है, बट हमारी कोशिश ये है कि आपको बेस्ट डिवाइस दें और कम पैसों में आपकी रेंज के मुताबिक अच्छी डिवाइस आपको मिल जाए, हमारे चैनल से आपको ये फ़ायदा हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ N100 वन प्लस। ये जब 30,000 में थी तो मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया, ये हमारे बाजार ही थी, मैंने कहा कि भाई प्राइस टैग 464 30,000 में जो है, मैं कैसे अपनी ऑडियंस को बोलूँ कि भाई ये फ़ोन ले लो। बट अब 20 to 21,000 प्राइस टैग में इज़ अ बेस्ट डिवाइस, ये मैं कह सकता हूँ कि उतने पैसों में ये बेस्ट डिवाइस है। वन प्लस कंपनी जो है आप सर्च करेंगे, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि डिमांडिंग कंपनी है इन द मार्केट। इनके फ्लैगशिप डिवाइस आते हैं, अभी भी इनका वन प्लस 9 प्रो फ्लैगशिप डिवाइस जो चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में वन प्लस 8 तक आपको मिल जाएगा, जो कि 150,000 तक इसकी डिवाइसेस आती हैं। मिड रेंज और बजट फ़ोन अब इन्होंने लॉन्च किए हैं, पहले इनके नहीं थे। और मैं आपको एक बताऊँ कि इनकी जो शेयर होल्डर कंपनी है वो ओप्पो है, ओप्पो इनकी शेयर होल्डर कंपनी है, बट इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है और बाकी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। सो सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।